हेलो एवरीवन, मैं गुरजीत सिंह हूँ। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी ट्रैफिक दुर्ग हूँ अभी, और मैं सन 2000 में मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार के रूप में चयनित हुआ था। 2008 में मुझे मेरा प्रमोशन रक्षित निरीक्षक के रूप में हुआ और 2016 से मैं उप पुलिस अधीक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत हूँ। पिछले 4 साल से मैं डीएसपी ट्रैफिक हूँ दुर्ग में और जनता की सेवा कर रहा हूँ। आज मैं आ रहा हूँ ऑफिसर ऑन ड्यूटी स्टेट PCS पर। आज मैं आपको अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा, जो सेवा में मैं कैसे आया, इसके लिए क्या तैयारियां किया था। सबसे पहले तो मैं चाहता था कि मैं यूनिफॉर्म फोर्स में आऊं, इसीलिए मैंने कॉलेज में NCC ज्वाइन किया था। NCC में मैं सी सर्टिफिकेट ही इसीलिए किया था कि मैं यूनिफॉर्म फोर्स में जाऊँ तो मुझे प्रायोरिटी मिले। मुझे मिला भी प्रायोरिटी। मुझे आर्मी के लिए मैंने SSB का एग्ज़ाम दिया था, अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। फिर मैं PSC की तैयारी करने लगा। PSC में मेरा था कि मुझे DSP सेलेक्ट होना है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उप निरीक्षक की भर्ती निकाली गई, जिसमें मैं भाग लेने के लिए उत्सुक था। और मैंने इसका जब भी फॉर्म आया तो मैं फॉर्म भर दिया। साथ ही साथ मैंने बिलासपुर में कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, प्राइवेट कोचिंग में, और लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो उप निरीक्षक की भर्ती होती है वो थोड़ा सा टफ होता है। उसमें आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक परीक्षा भी देनी पड़ती है, जिसमें आपको 4-5 इवेंट होते हैं। 5ों इवेंट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो लिखित परीक्षा की तैयारी करना है और साथ ही साथ आपको फिजिकल की तैयारी भी साथ ही साथ करनी पड़ती है। मैं लिखित परीक्षा के लिए मुझे कुल मिला के 2 या 3 महीने का ही टाइम मिला था, 2.5 महीने के तकरीबन टाइम मिला था। इस 2-2.5 महीने में हमने अच्छे से, क्योंकि मैं PSC की तैयारी कर ही रहा था तो बहुत सारी तैयारियां थी GK और करंट अफेयर्स की। साथ ही साथ जब सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है उसके लिए अलग से प्रॉस्पेक्टस जारी होता है, उस प्रॉस्पेक्टस को लेके मैं डेडिकेटेड सब इंस्पेक्टर के रिटर्न एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी किया। मेरा सेंटर बिलासपुर में सेफर स्कूल में था। सेफर स्कूल में जब मैं सेंटर मिलने के बाद एक बार जाके मैं सेंटर को देख के आ गया था कि पहली बार ही जाऊँ तो नयापन ना हो। तो वो स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो मैं जाके सेंटर का एक बार मुआयना करके आ गया था एक दिन पहले। दूसरे दिन जब गया तो थोड़ा फैमिलियराइज था मैं सेंटर के लिए। फिर सेंटर में गया तो मुझे वहाँ पर बाहर बोर्ड में रोल नंबर लिखे हुए थे, रोल नंबर कौन से रूम में किसको बैठना है ये लिखा हुआ था। अपना रूम नंबर चेक करने के बाद मैं अपने रूम में चला गया। रूम में तकरीबन एक रूम में 20 स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे जिनको एग्ज़ाम देना था। सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में रिटर्न में 2 ही पेपर होते थे, एक जनरल नॉलेज का और दूसरा लैंग्वेज का। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के पेपर थे। क्योंकि मेरा पहला ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स था कि अभी तो मेरी शुरुआत है, और मैं कोई टेंशन में नहीं था, बिल्कुल भी दबाव नहीं था मुझ पर सिलेक्शन का। तो मैं आराम से एकदम निश्चिंत होकर और बेफिक्री से अपने पेपर बनाया। मेरी तैयारी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस भी था मुझे, और साथ ही साथ जब रिटर्न एग्ज़ाम पहला पेपर अच्छा गया तो सेकंड पेपर के लिए मैं जाके रिलैक्स किया, और 2 घंटे बाद सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर भी अच्छा गया था मेरा। दिसंबर के 1st वीक में हमारा रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था और मार्च में हमारा फिजिकल था। तकरीबन 3 महीने का टाइम था कि हमको अपने फिजिकल जो तैयारी है उसको फाइनल टच करना है। तो सिर्फ 3 महीने में तैयारी नहीं हो सकती थी, मैं काफ़ी दिन से लगभग 1 साल से फिजिकल कर ही रहा था लगातार। ये 3 महीने में मुझे फिनिश करना था अपनी तैयारियों को और अपने स्किल्स पे काम करना था। मेरे पास स्ट्रेंथ तो था, तो मैं बिलासपुर में 3-4 सेंटर थे जहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी। एक नॉर्थ इंस्टीट्यूट था, पुलिस ग्राउंड था, रघुराज स्टेडियम और यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे, 3-4 जगहों पे लड़के जाके तैयारियां करते थे। मैंने 3-4 जगहों पे गया और 1-2 दिन सब जगह जाके देखा कि कहाँ कैसी तैयारी चल रही है, कोचेस कैसे हैं। तो मुझे नॉर्थ ईस्ट रेलवे इंस्टीट्यूट का कोचिंग बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर PG कृष्णन सर थे जो अच्छे से तैयारी करवाते थे, उनकी तैयारी और उनका स्तर अच्छा लगा मुझे, उनका स्टाइल भी अच्छा था। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और लगभग 3 महीने तक PG कृष्णन सर के साथ में हम सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 घंटे मेहनत करते थे। वो हमको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से फिजिकल की तैयारी कराते थे, साथ ही साथ हमको कंपटीशन के लिए हर हफ्ते वीकली हमारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी लेते थे। शुरू में मेरे 100 में से 48 नंबर ही आते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमको स्किल सिखाया और स्ट्रेंथनिंग पे काम किया हमारे, तो हमारा नंबर बढ़ता गया। और एट लास्ट जब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता था तो मेरा 90 से 100 के बीच में कोई नंबर आता था। ऐसे ही जब फाइनल हुआ हमारा रिजल्ट, मेरा 92 नंबर आया था जब फाइनल मेरा टेस्ट हुआ था वहाँ यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे। तब जब फिजिकल टेस्ट में यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे था, उसमें 5 इवेंट होते हैं। पहला तो 100 मीटर का रेस होता है,
जिसमें आप अगर 12 सेकंड के अंदर दौड़ के आते हैं तो 20 में 20 नंबर मिलते थे। दूसरा लंबी कूद था, लंबी कूद में भी ऐसे ही 5 स्लॉट होते हैं, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर और 20 नंबर के। तो उसमें आपको जंप लगाना होता है, जितना आप जंप लगाएंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तीसरा इवेंट होता है गोला फेंक का। गोला फेंक में अगर आप 9 मीटर फेंकेंगे, 9 मीटर या 9 मीटर से ऊपर फेंकेंगे तो आपको पूरे में 20 नंबर मिलते हैं। चौथा इवेंट होता है हाई जंप का। हाई जंप में भी 4 फीट 10 इंच अगर आप जंप करेंगे तो आपको पूरे 20 नंबर मिलते थे। लास्ट इवेंट था 1500 मीटर दौड़ का। 1500 मीटर में अगर 5 मिनट के अंदर आप दौड़ के आएंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मेरा इसमें से 3 इवेंट में फुल मार्क था, हाई जंप में, गोला में और 1500 मीटर में। इसमें मेरे पूरे 20 मार्क थे। सिर्फ 100 मीटर में मेरे 18 मार्क्स थे और इसमें 14 मार्क्स आए थे लॉन्ग जंप में। तो इस प्रकार मेरे 92 मार्क्स मुझे टोटल मिले थे। एक्चुअल में जब हमारा जिस दिन फिजिकल था उस दिन जो ग्राउंड पे जितने लड़के थे वो साथ में ही हम लोग लगभग ट्रेनिंग कर रहे थे, और हमारे से एक दिन पहले जो फिजिकल हुआ था वो रीवा रेंज का था, ज़्यादातर लड़के रीवा के थे। जिस दिन हमारा था उस दिन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और आसपास के सराउंडिंग बिलासपुर डिवीज़न के ही लड़के थे ज़्यादातर, तो उन लड़कों के साथ में हम तैयारी करते ही थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था वहाँ पर। लेकिन थकान थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप अपने टाइम से परफॉर्म करते हैं, जाके अपने टाइम से जंप करते हैं, जब आपको लगता है कंफर्टेबल होते हैं तभी रन करते हैं आप। लेकिन जब ग्राउंड में होते हैं तो ग्राउंड पे आपको एक टाइम पे जो टेस्ट लेने वाले हैं वो विसिल देंगे आपको, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जाके परफॉर्म करना पड़ता है। तो चैलेंज होता है कि वहाँ पर आपको बॉडी को वार्म भी रखना है और ज़्यादा लगातार वार्म अप करने के कारण बॉडी थक ना जाए, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है कि आपको जब आपका इवेंट करना है तभी वार्म अप करें और उसके पहले थोड़ा सा रिलैक्स करें, बॉडी को, मसल्स को रिलैक्सेशन रखें। फिजिकल के बाद फिजिकल का दिन तो थकाऊ था, अगले दिन ही सुबह से इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के लिए आपको कुछ कुछ अपने जो पीछे पढ़ाई की है और जो आपका लाइफ जैसा गया है पीछे उनके बारे में आपको एक बार रिवाइंड करना होता है, ताकि अगले दिन इंटरव्यू में वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो आपने पीछे पढ़ाई की है या जो भी आप एक्टिविटी आपकी रही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करके रात को बैठ के 2-3 घंटे उसके बारे में विचार किया, पढ़ाई वढ़ाई किया थोड़ा सा। दूसरे दिन सबेरे जाना था, इंटरव्यू था, ACCL गेस्ट हाउस में इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू भी बहुत अच्छा था हमारा। मैं उस टाइम तकरीबन 22 साल का ही था, तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। करीबन 10 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, और मैं चूंकि NCC में था और मैंने BCOM किया है तो BCOM से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनके इकोनॉमी से संबंधित थे। उस टाइम पे बिल क्लिंटन का इंडिया का दौरा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे उनका इंडिया का दौरा था, उसके संबंध में कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू में। साथ ही साथ जब मैं ब्लड डोनर भी रहा हूँ, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तब से मैं लगातार ब्लड डोनेशन करता रहा हूँ, तो ब्लड डोनेशन के बारे में भी मुझसे पूछा गया था। उस टाइम पे MSW कोर्स कर रहा था यूनिवर्सिटी में बिलासपुर में, तो उसके बारे में भी मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। साथ ही साथ पुलिस सेवा के बारे में भी पूछे थे कि पुलिस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो मेरा इंटरव्यू लगभग अच्छा गया था और मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं लगभग सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये तीनों के बाद लिखित परीक्षा भी अच्छा था, फिजिकल भी मेरा ठीक गया था और इंटरव्यू भी अच्छा गया था, संतोषप्रद था। मुझे था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, फिर भी मैं आगे इसके बाद भी अपनी PSC की तैयारियों को नहीं छोड़ा था, क्योंकि PSC में मुझे चांस था कि मैं डायरेक्ट GSP सेलेक्ट हो जाऊंगा। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं एक्चुअल में मेरे सेकंड सेमेस्टर MSW के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही था बिलासपुर में। तो सुबह सुबह फिर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के नंबर पे, उस टाइम मोबाइल हुआ नहीं करते थे, तो लैंडलाइन पे फ़ोन आया बड़े भाई का कि तेरा सिलेक्शन हो गया है सब इंस्पेक्टर में, तेरा रोल नंबर आया पेपर में। तो बहुत अच्छा लगा कि बोले मैं लेने आ रहा हूँ, तो मेरे भाई मुझे अपने बाइक से लेने के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आया था। तो बहुत खुश था मैं कि मेरे पापा जी चाहते थे कि मैं, वो खुद भी सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट थे लेकिन किसी कारणों से वो ज्वाइन नहीं किए पुलिस जॉब को। उनके दिल में था कि मेरा कोई बेटा यूनिफॉर्म फोर्स में जाए और यूनिफॉर्म पहने, वो यूनिफॉर्म पहने हुए देखना चाहते थे। तो मुझे लग रहा था कि मैंने बाबूजी का अपना सपना पूरा कर दिया है, तो बहुत खुश था मैं। जब घर गया तो फिर ऑब्वियसली सब लोग खुश थे और मिठाइयाँ बट रही थी। जैसे कि मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया, मैं कई बार थोड़ा डिप्रेस होता था तो मेरा बड़ा भाई बोलता था मुझे कि यार तू मेहनत में कमी मत कर, 100 सुनार की एक लोहार की, तू अगर थोड़ा मेहनत में कमी करेगा तो तेरे को बार बार वो इतनी ही मेहनत हर बार करना पड़ेगा, एक बार दम से अच्छे से मेहनत कर। तो मैं जब रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो आपको यकीन नहीं होगा, मुझे कई दिन याद नहीं रहता था कि मैं एक ही कपड़े को 3-3, 4-4 दिन तक के पहने हुए होता था। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करके डूब के
और पढ़ाई तैयारी करनी चाहिए। आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो सफलता कहीं नहीं जाएगी। तो ये थी मेरी जर्नी एक एस्पिरेंट से लेकर एक पुलिस ऑफिसर बनने की। आशा करता हूँ आपको मेरी जर्नी मोटिवेट करेगी और आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे और एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू।